हेलो, कल हमने यहाँ तक किया था। ठीक है, मिक्सचर था ना, जिंक एज द सॉल्यूट था, जिंक एज द सॉल्यूट। वो 2 मिनट रुको, जरा इस साउंड भी पढ़ने देगा। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक मैंने सर यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा था कि यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो बुक के ऊपर ही, ट्रू सॉल्यूशन। एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रू सॉल्यूशन। सर आप बुक में क्यों हेडिंग्स बनवाते आ रहे हो? अब नोट्स तो आपके बनवा नहीं पा रहा हूँ मैं, नोटबुक में आपके लिखवा कर, है ना, क्योंकि यहाँ पर लिख में सकता नहीं। देखो कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ तो स्पीड स्लो आती है, और अलग से स्पेसिफिकली यहाँ पर पढ़ाने के बाद मैं लिख रहा हूँ उसका भी टाइम मिलता नहीं है। कि बुक्स में थोड़ा कम हो जाए तो हो ही जाए। तो यहाँ पे हेडिंग डालना ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे। तो सर ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ये वर्ड आया ही क्यों? ट्रू सॉल्यूशन सर, सॉल्यूशन मतलब सर मिक्सचर, ट्रू मिक्सचर, सच्चा मिक्सचर। ये सच्चा मिक्सचर क्या होता है? हाँ, ये सच्चा मिक्सचर, ये ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू मिक्सचर वर्ड ऐसा इसलिए आया कॉन्सेप्ट में। कुछ चीज़ें होती है ना, आपने सुना हो, आपने देखो तो कुछ टाइम पहले ऐड आता था सॉल्ट का, टाटा नमक, देश का नमक। मतलब उस एड में क्या दिखाते थे कि सर किसी ने पानी में सॉल्ट डाला, लोकल लोकल सॉल्ट डाला, जो टाटा का सॉल्ट नहीं है, ठीक है, दूसरा सॉल्ट डाला, तो पानी सर वाइट आउट हो जाता था। वाइट आउट होने का मतलब क्या? पानी में वो सॉल्ट दिखाई देता था, पानी में सॉल्ट थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था, सॉल्ट का इफेक्ट दिखाई देता था, वो वाइट हो जाता था पानी, है ना। लेकिन जैसे मतलब टाटा नमक तो डाल देते हैं, जैसे दूसरे ग्लास में टाटा नमक डाल देते हैं, तो उसे टाटा नमक डालने का, वो टाटा नमक इतनी अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता था, इतनी अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाता था कि पानी का कलर चेंज नहीं होता था। पानी जैसा था सॉल्ट डालने से पहले और सॉल्ट डालने के बाद, दोनों टाइम पर सेम ही था। दोनों टाइम पर क्या था? सेम ही था। तो जब चीज़ें, तो इसका मतलब क्या था? तो उन्होंने बोलता है इससे नमक की तारीफ की थी उन्होंने, इसी एड का मतलब कहते कि नमक की तारीफ करना। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जो नमक है ना वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर उसके सब्सटेंस, जिसके अंदर सारे सब्सटेंस पूरी तरह से डिजोल्व हो गए हैं, पूरी तरह से डिजोल्व हो गए हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सर क्या वो टाटर में पूरी तरह से डिजोल्व होता होगा? सर एक नमक है जो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, मतलब सफेद सफेद कलर दिखाई दे रहा है, और वो टाटर में पूरा डिजोल्व हो जाता है? नहीं, पूरा डिजोल्व नहीं होता। हाँ, कोई भी चीज़ पूरी डिजोल्व नहीं होती है, कुछ कुछ हो जाती है पर कुछ चीज़ नहीं होती है। हाँ, बट इतनी ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है कि आपको नेक्ड आई से दिखाई ना दे। इनफैक्ट इनका कहना है कि ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि उसके अंदर जो सब्सटेंस डिजोल्व हो रहे हैं वो इतने डिजोल्व हो जाए, इतने डिजोल्व हो जाए, पूरे डिजोल्व हो चाहे ना हो, पूरे डिजोल्व हो चाहे ना हो, पर इतने डिजोल्व हो जाए इवन कि आप अगर अगर आप माइक्रोस्कोप को लेकर भी देखो ना, माइक्रोस्कोप लेकर भी देखो तो अभी आपको दिखाई ना दे, आपको माइक्रोस्कोप से वो एलिमेंट दिखाई ना दे, इतने ज़्यादा वो क्या हो जाना चाहिए? डिजोल्व हो जाने चाहिए। तो अगर कोई सॉल्यूशन ऐसे सब्सटेंसेस से मिलकर बना है जिसके अंदर के सब्सटेंसेस को आप डिस्टिंग्विश यानी सेपरेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप यूज करके भी आप उनके अंदर के कॉम्पोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते हो, तो समझ लो वो आपका सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। तो वो क्या कह रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या दे रहा है? अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड यानी जो हम डिजोल्व करते हैं वो सब्सटेंस, वो क्या बहुत छोटा सा, कितना छोटा? 10^-10 इतना छोटा सब्सटेंस डाल दो, इतना सब छोटा सब्सटेंस अगर हो जाए किसी का, सर इतना छोटा सब्सटेंस डालने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, डालने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं आपने सब्सटेंस तो बहुत बड़ा डाला लेकिन वो डिजोल्व हो गया, इतना छोटा साइज का रह गया, 10^-10, 10^-10 अगर साइज का रह गया है तो फिर हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसकी थोड़ी फीचर बता रहा है कि इन अ ट्रू सॉल्यूशन, एक ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है? तो एक अच्छे सॉल्यूशन में होता क्या है, वो कह रहा है ऐसे सॉल्यूशन में क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन में ये होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते। आप पानी में एक बार शुगर मिक्स हो गए अच्छे से,
अगर आप मिक्स कर पा रहे, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, आप उसको दिखाई दे रही है क्लियरली क्या ये सॉरी शुगर, ये रहा पानी, तो वो ट्रू सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, आपको शुगर बिल्कुल डिजॉल्व हो गया, आपको शुगर दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल, इवन अंडर माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप भी यूज करो, माइक्रोस्कोप यूज करने के बाद भी अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो समझ लो कि आपका जो सॉल्यूशन है ना ये ट्रू सॉल्यूशन है। ये क्या ट्रू सॉल्यूशन है इन कॉमन यूज, तो कॉमनली हम इन टर्म्स को हम कॉमनली कॉमनली हम सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन दोनों को एज सिनोनियम यूज करते हैं, एज सिनोनियम यूज करते हैं। टर्म सॉल्यूशन एक्चुअली में ट्रू सॉल्यूशन है ना, लेकिन जब रियल में बात किया, अगर एक्चुअली बात की है, तो रियल में जब हम टर्म सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन साइंस में, साइंस में इस केमिस्ट्री के अंदर जितने भी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जब भी सॉल्यूशन बोलेंगे तो सॉल्यूशन का मतलब हमारा ट्रू सॉल्यूशन से ही होगा, ट्रू सॉल्यूशन से ही होगा। सर ट्रू सॉल्यूशन को क्या और कैसे पता कर सकते हैं? सर आपने मैंने बताया ना अभी कि अगर आप उनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, देखो डिस्टिंग्विशेबल है या नहीं, अगर आप उसके अंदर के सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो तो वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, अगर नहीं कर पा रहे तो वो सॉल्यूशन है। क्या सर यही पहचान है? नहीं और ही पहचान है, और ही पहचान है। हाँ तो सर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या क्या मीनिंग है बताए थे ना, जिससे आप पहचान पाओ, फीचर्स आइडेंटिफिकेशन करने के तरीके हैं। पहचान हिस्ट्री में आपको समझाया था, एक जब आपको सिविक्स या हिस्ट्री के क्वेश्चन से करा देता था, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन और सिंपली सॉल्यूशन वगैरह, सॉल्यूशन वो सर ट्रू सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, इनकी इनकी स्पेसिफिक क्वालिटी, इनकी पहचान क्या, कैसे पहचानेंगे किसी सॉल्यूशन को कि वो ट्रू सॉल्यूशन है या नहीं, या फिर कोई भी मिक्सचर है वो सॉल्यूशन है या नहीं। बेसिकली आप सॉल्यूशन की बात नहीं करें, आप बात करें ट्रू सॉल्यूशन की, कोई भी सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन है या नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सर पहला पहले कहने का सॉल्यूशन पे, तो वो सॉल्यूशन होना चाहिए, पहली बात तो वो सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। और सॉल्यूशन कैसे बोलते हैं, जिसमें होमोजेनियस मिक्सचर से बना हुआ हो। दूसरा सर वो ट्रू कब कहलाएगा, वो ट्रू तब कहलाएगा जब उसके अंदर के जो जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड सॉलिड पार्टिकल से बहुत छोटे, सर बहुत छोटे का मतलब क्या, कम से कम कितना साइज हो, ठीक है, और सर वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मतलब क्या भाई, टाटा नमक का एड याद कर लेना, गूगल पर सर्च कर लेना पुराना टाटा सॉल्ट का एड, तो आपको पता चल जाएगा सर हम जो लोकल सॉल्ट डालते थे तो उससे पानी वाइट वाइट हो जाता था, लेकिन हम टाटा सॉल्ट डालते हैं तो वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कह रहा है इट डज नॉट स्कैटर लाइट, इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ है ना, इसको थोड़ी देर में, फिर फिफ्थ वाले पे आ जाता, इट्स कॉम्पोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्टरेशन। सर ना तो आप इसके, पहला तो आप इसके कॉम्पोनेंट्स को देख ही नहीं सकते अलग से माइक्रोस्कोप का यूज करके, ठीक है, आपने कहा नहीं मेरे को देखना है, क्यों नहीं देखना, तो आपने इधर उधर के प्रोसेस लगाना स्टार्ट किया, तो आपने एक फिल्टरेशन प्रोसेस लगाया। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर किसी भी चीज़ में से दूसरी चीज़ों को अलग कर देता है, फिल्टर करके निकाल देता है। तो अगर आप फिल्टर का भी प्रोसेस करते हो ना, फिल्टर प्रोसेस को भी यूज करते हो, तब भी आपके कॉम्पोनेंट्स बाहर नहीं निकाले जा सकते, ऐसा होता है ट्रू सॉल्यूशन। इतनी अच्छी दोस्ती होती है कि अलग होते ही नहीं है, फिर इतनी ट्रू फ्रेंडशिप होती है इनके बीच में कि अब एक बार मिक्स हो गए तो हो गए, अभी अलग ही नहीं हो सकते, ना तो अलग दिखाई देंगे ना अलग हो पाएंगे। और सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन, और उस सॉलिड पार्टिकल्स है ना सॉल्यूशन के अंदर, वो ठहरते नहीं है, ठहरने का मतलब जमीन पे रुकते नहीं है। चीज़ें पता है ना, कहीं हम पानी में कुछ डाल देते हैं तो सब पहले तो मिक्स हो जाएगी, लेकिन मिक्स होकर बाद में फिर वो सूख के पानी के नीचे सरफेस पर वो थोड़े एलिमेंट्स सब्सटेंसेस से जम जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली मिक्स हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। सर एक पॉइंट तो रह गया, कौन सा, इट डज नॉट स्कैटर लाइट, इसका तो मीनिंग समझा, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, सर ये आप पढ़ रहे हैं कैसे बनी है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका था बेटा, मैं ये बस साउंड इशू ऐसा आया कि मेरे को मेहनत दोबारा से करनी पड़ी। दो सेकंड रुकना, इसको हम और कैसे करें,
चलो ठीक है, दोबारा से कर देता हूँ। मतलब मेरा क्या कहना है इसका, इट डज नॉट स्कैटर लाइट का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा घर पे करके देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा घर पे करके देखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है। तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ, बुक में तो बस कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ज़रा। ठीक है, दो ग्लास लो, दो ग्लास लो, एक ग्लास में ऐसे सब्सटेंस डालो जो डिजोल्व ही ना हो। सर ऐसे सब्सटेंस में डिजोल्व भी ना हो। हाँ, अब मार्बल्स डाल दो एक गिलास में, पानी लो एक गिलास में, दो पहले तो दोनों गिलास में पानी लो, दोनों गिलास में पानी लो। ठीक है, अब एक गिलास से दोनों गिलास में पानी लो। ठीक है, अब क्या करना, एक गिलास हो गया ए, एक गिलास हो गया बी। ठीक है, एक गिलास को मैं नाम दिया गिलास, एक गिलास को नाम ने दिया बी। ठीक है, दोनों गिलास में पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो जिस गिलास में पानी है ना, उस गिलास के ऊपर टॉर्च से लाइट रिफ्लेक्ट करो, उस गिलास के ऊपर टॉर्च से लाइट रिफ्लेक्ट करना, उस गिलास के ऊपर टॉर्च से लाइट रिफ्लेक्ट करना, गिलास के बाहर से, है ना, गिलास के बाहर से जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। ठीक है, देन यू विल नोटिस दैट देन आप नोटिस करोगे कि जो लाइट है ना, लाइट पास थ्रू हो जाएगी, लाइट इसमें से ग्लास में, ग्लास के एक तरफ से दूसरी तरफ में पास थ्रू हो जाएगी। ये तो है ग्लास ए में, जिसमें हमने कुछ डाला नहीं है, इसमें भी हमने कुछ डाला नहीं है, ये नॉर्मल ग्लास है। ठीक है, ठीक है, एक ग्लास लो अगर आप, और अब ग्लास बी है, ग्लास बी है। ठीक है, ग्लास बी में आपने क्या डाला, मार्बल्स। क्या डाले, मार्बल्स। मार्बल्स तो बहुत बड़े होते हैं, हाँ बहुत बड़े होते हैं, तो छोटे छोटे कोई चीज डाल दो जो डिजोल्व ना हो, जो डिजोल्व ना हो। तो मैंने सपोज करिए कुछ एलिमेंट्स डाल रखे हैं, मैंने ये कुछ एलिमेंट्स डाल रखे हैं। ठीक है, सपोज करिए मैंने तीन एलिमेंट्स डाल रखे हैं। ठीक है, तो अब जब मैं लाइट यहाँ पे भेजूंगा, जब मैं लाइट या मैं टॉर्च से यहाँ पे लाइट भेजूंगा, तो लाइट क्या होगी, तो लाइट यहाँ से ही निकल जाएगी, लाइट यहाँ से ही निकल जाएगी, लाइट यहाँ से ही निकल जाएगी, लाइट यहाँ से तो निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, यानी जो लाइट यहाँ से यूँ जारी होगी ऐसे निकल जाएगी, ऐसे जारी होगी, ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे जारी होगी, ऐसे निकल जाएगी। लेकिन सपोज करो कोई लाइट अगर ऐसे जा रही है, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ दिखाने के लिए, अगर कोई लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे सीधे उस पर गई, तो आप पता है मार्बल वगैरह क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देंगे इधर उधर, इधर उधर रिफ्लेक्ट कर देंगे, पता नहीं कहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं इधर उधर रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि सारे कॉम्पोनेंट उसके अंदर डिजोल्व भी नहीं हुए हैं, तभी तो लाइट उनको देख पा रही है। सर लाइट कब टकराएगी किसी चीज से, लाइट जब टकरा रही है तभी तो उसे रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर अपना हाथ आप किसी चीज को बॉल दीवार पर मारो, तो सर दीवार होगी तभी तो बॉल टकरा कर वापस आएगी या किसी और डायरेक्शन में जाएगी, अगर दीवार नहीं होगी तो कहाँ से आएगी। तो यहाँ नीचे अगर चीजें डिजोल्व नहीं हो रही, तो वो चीजें हैं, और जब वो चीजें हैं तो लाइट उन पर जब पड़ रही है तो उसे टकरा कर वापस आ रहे। लेकिन ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, चीजें पूरा पूरी डिजोल्व हो चुकी होंगी, गायब हो चुकी होंगी बिल्कुल, उसके अंदर से डिजोल्व हो चुकी होंगी। तो अगर आप लाइट फेंकोगे उसके ऊपर से, तो सब उसमें टकराएंगे नहीं, क्योंकि वो वहां पे है ही नहीं, वो तो प्रॉपरली पानी के साथ एक हो चुके हैं, वो तो पानी के साथ एक हो चुके हैं, तो ऐसे किसी का रिफ्लेक्ट होकर नहीं आता। तो यही फीचर है कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ना, ट्रू सॉल्यूशन वहां पर लाइटें स्कैटर नहीं करती हैं, लेकिन जो ट्रू नहीं होता वहां पर लाइटें स्कैटर करती हैं, ड्यू टू दैट सब्सटेंसेस, ड्यू टू दो सॉलिड पार्टिकल्स जो कि डिजॉल्व नहीं हुए अच्छे से। ठीक है, तो इसका मीनिंग था, बुक में कुछ नहीं समझाया पर मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब नोट पढ़ो जा रहा है, थोड़ा कह रहा है, एक बार पॉज करके खुद से पढ़ो। ठीक है, वो कह रहा है वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट। तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग बता दिया था कि जनरली जो हमारे सॉल्वेंट है, एक तो लिक्विड है कॉमन, एक तो लिक्विड होती है, तो लिक्विड में भी सबसे ज्यादा जो कॉमन है, सबसे ज्यादा जो कॉमन सॉल्यूशन है, तो किसी भी चीज़ को डिजोल्व कर सकते हो, किसी भी चीज़ को, जो कि मोस्टली हर चीज़ों को, खास चीज़ों, मोस्टली बोला मैं, सारी तो नहीं, पर मोस्टली चीज़ों को जो क्या कर सकते हैं, अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है क्योंकि इसके अंदर एक पावर है, क्योंकि इसके अंदर एक पावर है क्या, ये दुनिया भर के, दुनिया जहाँ के सारे एलिमेंट्स को, सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर सकता है।
इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्यूशन भी कहा जाता था, यूनिवर्सल सॉल्यूशन भी कहा जाता था। लेकिन अब यहाँ पे दो कुछ और बता रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि वाटर इज द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, ठीक है, और एक ऐसा सॉल्वेंट जो कि किससे बना हुआ है, सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर, जो कि कैसे बना है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे सब्सटेंस को डिजॉल्व किया है पानी के अंदर। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन। तो एक्वियस सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्वा मतलब होता है वाटर, एक्वा मतलब क्या होता है वाटर। तो ऐसे सॉल्यूशन तो वाटर फॉर्म में या वाटर में डिजॉल्व होकर बना हुआ है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, वाटर सॉल्यूशन या फिर एक्वियस सॉल्यूशन बोलेंगे। बट इट इज़ नॉट ओनली सॉल्वेंट, वो कह रहा है कि जो वाटर ना, वाटर ये ओनली सॉल्वेंट नहीं है, एल्कोहल हुआ, पेटल हुआ, एथर हुआ, बेंजेन हुआ, कार्बन हुआ, कार्बन हुआ, डिसल्फाइड हुआ, कार्बन डाइसल्फाइड हुआ, लिक्विड हुआ, अमोनिया हुआ, एक्सेट्रा। ये कुछ सब नॉन एक्वियस लिक्विड सॉल्वेंट्स हैं जो कि कॉमनली यूज में आते रहते हैं। द सॉल्यूशंस मेड इन दीज लिक्विड्स आर नोन एज नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशंस पानी में मिलकर बनते हैं उनको एक्वियस, और जो पानी के अलावा मिलकर बनते हैं उनको नॉन एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल लेना है, यहाँ पे हेडिंग डालें, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड, लिक्विड टाइप, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विड है ना। तो पहला हमने क्या देखा कि अगर कोई सॉल्यूशन लिक्विड से बना हुआ है तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन। और जो साउंड जो इससे क्या कहते हैं वाटर से नहीं बना, उनको बोलेंगे नॉन एक्वियस, नॉन एक्वियस। ठीक है, फिर आता है थर्ड हेडिंग, यहाँ पर टू है, पर थर्ड चीज़ है इसके अंदर क्या, वेन द सॉल्वेंट इज एल्कोहल। लेकिन सर अगर बात एल्कोहल है, अगर सॉल्वेंट क्या है एल्कोहल, सॉल्वेंट क्या है एल्कोहल, और उस एल्कोहल में क्या मिला हुआ है, और कुछ नहीं बस एक कंडीशन, जब आपको सॉल्वेंट क्या है, जब आपको सॉल्वेंट क्या है, जब आपको सॉल्वेंट अगर एल्कोहल है, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को ना नॉन एक्वियस तो बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन नॉन एक्वियस की जगह उसका नाम हो जाएगा टिंक्चर, टिंक्चर। हाँ मतलब एल्कोहल के अंदर हमने आयोडीन मिला दिया, तो टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन सॉल्यूशन हो जाएगा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। सर अगर हमने एल्कोहल में सोडियम मिला दिया, टिंक्चर ऑफ सोडियम। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टिंक्चर, क्या बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, टिंक्चर सॉल्यूशन बोलते हैं। तब वो कह रहा है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब, इसका मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन है जो किससे बना है, आयोडीन को एल्कोहल में मिक्स करके बनाया, आयोडीन इन एल्कोहल, आयोडीन इन एल्कोहल, एंड जो एल्कोहल में आयोडीन डालकर बनाया गया है। ठीक है, अब एक यहाँ पर हेडिंग डालो, यहाँ पे अलग से हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, हो रही है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, लिखते चलना, ये हेडिंग बनवाते हैं यहाँ पे। अब सर यहाँ पे भी टाइप्स पढ़ने हैं, अब यहाँ पर टाइप्स पढ़ने हैं, और टाइप्स कैसे पढ़ने हैं, जो सब्सटेंस की वहाँ पे जो सब्सटेंसेस है ना, सब्सटेंसेस यानी सॉलिड पार्टिकल सॉल्वेंट होता था, उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी क्वांटिटी के बेस पे हम ये क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो पहला डाइल्यूट और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड, और एक आएगा सैचुरेटेड और एक सुपर सैचुरेटेड। सर मतलब क्या है, जरा बताओगे, जरा बताता हूँ मैं, तीनों वर्ड के पहले मीनिंग बताता हूँ, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड का मतलब क्या है। डाइल्यूट मतलब होता है पतला, अच्छा पतला मतलब क्या, बहुत बहुत ज्यादा पतला है, मतलब बहुत ज्यादा पतला मतलब क्या, इंसान वाला पतला नहीं, दो चीजें होती हैं, चीजें होती हैं, एक तरफ देख रहा चाशनी, अगर आपको पता है चाशनी क्या होती है, कभी आपने देखे हो, आपने आप खाते हो ना रसगुल्ले वगैरह, आप खाते हो गए तो आपने उसमें चाशनी देखी होगी, एक चाशनी होती है, ठीक है, दही होता है, पानी होता है, इन तीनों को कंपेयर करो, तीनों की अगर आप देखोगे, तीनों मतलब तीनों का जो लिक्विडिटी होती है वो थोड़ी अलग अलग होती है, लिक्विडिटी मतलब उनका जो लिक्विड का जो फीचर होता है थोड़ा अलग होता है। अच्छा सर दही बहुत गाढ़ा होता है, दही बहुत गाढ़ा होता है, चाशनी उससे कम,
पानी सबसे कम, पानी तो गाढ़ा होता नहीं, तो इसको बोलते हैं गाढ़ा या पतला, यानी पानी तो बिल्कुल भी बहुत लूज होता है, बहुत लूज फॉर्म में होता है, बहुत तो पतला होता है, इसको बोलते हैं पानी पतला होता है। चाशनी से थोड़ी थिक हो गई, चाशनी से क्या थोड़ी थिक हो गई, और दही तो बहुत ज़्यादा थिक हो गया, दही तो बहुत ज़्यादा थिक हो गया। तो आई थिंक आपको पतले का मीनिंग नहीं बोला था, पतले का मीनिंग पता चल गया, ठीक है। जो बिल्कुल ही पानी पानी जैसा हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, जो पतला, ठीक है। जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, जूस भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो सब कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है गाढ़ा, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब होता है थिक, थिक को और आप क्या बोल सकते हैं, गाढ़ा। कुछ तो सॉल्यूशन होते हैं तो गाढ़े होते हैं सर, गाढ़े होते हैं मतलब क्या, अभी आपको एग्जांपल दिया ना चाशनी का, शुगर को दही का, कर्ड का आपको एग्जांपल दिया, तो ये क्या थे, पानी के कंपेरिजन में पतले थे या गाढ़े थे। तो पानी से तो बहुत ज्यादा गाढ़े थे, पानी से तो बहुत ज्यादा गाढ़े थे। 2 मिनट होल्ड रखना जरा, ठीक है। आपको थोड़ा साउंड आ रहा होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो दही हो गया, पानी हो गया, चाशनी हो गई आपकी, तो आपको पता, सबों की जो फॉर्म होती है वो थोड़ी अलग अलग होती है। लिक्विड फॉर्म में भी कोई पतली होगी, गाढ़ी होगी, तो जो नॉर्मल लेवल पर होती है, जो नॉर्मल लेवल होता है ना गाढ़ी, जो गाढ़ापन जो होता है थोड़ा सा, उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। फिर एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या, जो बिल्कुल ही सूख गया हो, जो बिल्कुल ही सूख गया हो, सर बिल्कुल ही सूख गया हो मतलब क्या, एक पानी लो, पानी में 1 गिलास शुगर डालो, ठीक है, मिक्स कर लो अच्छे से। अभी जो सॉल्यूशन बनाना है इसको बोलते हैं डायल्यूट सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, डायल्यूट सॉल्यूशन, डायल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर और 5 चम्मच डालो, और 7-8 चम्मच डालो, तब देखो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा, चाशनी सी बनने लगी होगी उसमें, ठीक है सर। ये तो गर्म हो ही नहीं रहा सर, डिजोल्व हो नहीं रही चीनी, तो चीनी डिजोल्व नहीं हो रही, तो उसको गर्म कर लो, गैस को गर्म कर लोगे तो चाशनी बहुत इजीली डिजोल्व हो जाएगी आपकी, आपको पता ही है, तो आपकी शुगर बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या, आपने मेल्ट कराई चीनी को, आपने चीनी को सॉरी मिक्स कराया, तो आपने कहा आपका जो पानी था ना, पानी पहले जो बहुत पतला था, जो गाढ़ा हो गया थोड़ा थिक हो गया, और आपने नोटिस किया सर ये थिक है, ये तो बिल्कुल ही चाशनी जैसे बन गया, तो दोबारा चाशनी ही बन गया, तो ऐसे को बोलते हैं कंसनट्रेटेड, ऐसे को बोलते हैं कंसनट्रेटेड। लेकिन अब इसमें ये ना, अगर आप इसमें, अब आप कुछ भी डालो इसमें, अब आप इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, कुछ करो थोड़ी सी चीनी, तो सर वो डिजॉल्व नहीं होगी, अब इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगी। तो जब चीज़ें इस लेवल पे पहुंच जाती है, जब चीजें इस लेवल पे पहुंच जाती है, सॉल्यूशन इस लेवल पे पहुंच जाता है कि अब उसके अंदर और एक भी पार्टिकल, अब एक और पार्टिकल, 1 इंच भर भी पार्टिकल डिजोल्व ना हो पाए, तो इस तरह के इस लेवल के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और एक होता है सुपर सैचुरेटेड, एक होता है सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या मतलब होता है, होता सर सैचुरेटेड ही है, होता है सैचुरेटेड ही है, लेकिन ये इतना ज़्यादा सेचुरेट होता है कि आप इसमें चीज़ें और डिजॉल्व करते जाते हैं सर। लेकिन आपने बताया कि सेचुरेटेड में तो होता नहीं, हाँ नहीं होता ना, उसमें कंडीशन है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिजॉल्व हो जाएगा। तो सेचुरेटेड के अंदर हम क्या, सुपर सेचुरेटेड में हम क्या करते हैं, सेचुरेटेड का टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं, और उसमें थोड़ा सा सब्सटेंस और डिजॉल्व कर देते हैं, तो ऐसा रहता है आपका सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड है ना। और से अगर हम उसे, बस अभी इतना ही समझो, अभी इतना ही समझो, फिर एक और आएगा अनसेचुरेटेड, इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले इतना समझते हैं, इतना मैंने लिखवाया है, आप तो पढ़ो, मैं पानी पे क्या आता हूँ, ठीक है, एक और रीडिंग लगा हुआ।
चलो कंटिन्यू करते हैं। आपने पढ़ा थोड़ा सा, आपको कुछ क्लियर हुआ थोड़ा सा भी? अगर थोड़ा सा भी क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ रीडिंग से अगर आपको समझ में आता है तो ये भी एक अच्छी आर्ट है, इसको भी सीखने ही बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डायल्यूट सॉल्यूशन, डायल्यूट सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा लेस कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कम हो सॉल्वेंट ज़्यादा हो, यानी पानी ज़्यादा हो लिक्विड ज़्यादा हो, यानी वो पतला हो। ठीक है, अगर लिक्विड ज़्यादा है और सॉल्वेंट सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट कम है, तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे? डायल्यूट सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, लेकिन अब आपको सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सॉल्यूट आपका क्या हो गया? ज़्यादा, तो अभी क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, लेकिन कुछ सर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर अब एक भी सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो पाए उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। यानी सर अब एक जो टेम्परेचर बस वही टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज मत करो, बस में चीज डालते हो लेकिन फिर वो डिजोल्व नहीं हो रही, डिजोल्व नहीं हो रही, तो आप इस लेवल को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन अब एक ऐसा सॉल्यूशन बन गया कि इसके अंदर और कोई भी डिजोल्व और कोई भी चीज़ डिजोल्व हो ही नहीं सकती, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है सर, ये बनता कैसे है? रीड कराया था मैंने आपको, बताया दिया था कि आप एक गिलास में उसमें शुगर डालते हो, डालते हो, डालते हो, तब तो डालते हो, तब तो डालते हो, तो किसका डिजॉल्व होना बंद ही ना हो जाए, जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर वो क्या कहते हैं डिजॉल्व होना बंद हो जाती है, फिर जो सॉल्यूशन जो लास्ट में बचता है सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप कैसे बनाओगे? तब वो कह रहा है टेक 100 ग्राम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन एंड बीकर, एक बीकर में डिस्टिल्ड वाटर लो, एड गम 1 ग्राम ऑफ नाइट्रे एंड स्टेयर विद अ ग्लास वाटर टिल द नाइट्रे डिजॉल्व। अब मेरे को नाइट्रे प्रोनाउंस करते हैं, नाइट्रे प्रोनाउंस करते हैं, उसको छोड़ देना खैर इसको। तो कह रहे हैं इसमें 1 ग्राम नाइट्रे लो, एक गैस होती है, एक सब्सटेंस होता है, उसको लो एंड स्टेयर, स्टेयर मतलब मिक्स करना। आप चम्मच से घुमाते हो ना, चम्मच घुमाते हो बार बार, चम्मच कुछ स्पून वगैरह घुमाते हो आप चीज़ों को मिक्स करने के लिए, उसको बोलते हैं स्टेयर। उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस को स्टेयर। अब उसको स्टेयर करो किससे? ग्लास रॉड से, ग्लास रॉड से क्या करो उसको मिक्स करो। कब तक मिक्स करना है? कब तक मिक्स करते हैं? जब तक नाइट्रे डिजॉल्व ना हो जाए, जब तक वो नाइट्रे जो भी है वो डिजॉल्व ना हो जाए, फिर 1 ग्राम और डालो और फिर दोबारा से स्टिर करो, ये फिर डिजॉल्व हो जाएगा। फिर कंटिन्यू करो, ये डालते जाओ, डालते आओ, बार बार डालते आओ और स्टिर करते आओ, डालते आओ, स्टिर करते आओ, कंटिन्यू एडिंग 1 ग्राम ऑफ नाइट्रे, डालते आओ उसके अंदर एक 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 ग्राम नाइट्रे और उसको बार बार क्या करते जाओ, मिक्स करते आओ। एक स्टेज ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो भी कह देगा बस अब और नहीं, बस अब और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं कर सकता। एक टाइम आएगा जब नो मोर ऑफ द नाइट्रेबल डिजॉल्व, और कोई भी नाइट्रेट डिजॉल्व नहीं हो पाएगी उस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर पर। ठीक है सर, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट इज लेफ्ट देयर और हाउ विगोरस इट इज स्टेड, सर फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे उसे 4 घंटे तक मिक्स करने की कोशिश करते रहो, घुमाते रहो, नहीं आप करो अभी मिक्स नहीं हो रहा तो टाइम लेगा, मैं 4 घंटे तक आप उसको मिक्स करने में लगे नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, मिक्स हो रहा तो जल्दी होना चाहिए, यानी कि आप 4 घंटे लेके भूल रहे हो, है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ये बनता है ऐसे ही, चीज़ें डालते हो, डालते हो, डालते हो, और एक टाइम ऐसा जाएगा कि इसके अंदर कोई भी चीज़ें डिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, तब कहा जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेट हो चुका है, कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेट हो चुका है उस टेम्परेचर पर, यानी अब इस टेम्परेचर पर ये और ज़्यादा चीज़ों को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। सर टेम्परेचर फिर से डिजॉल्व कर लेगा? हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डिजॉल्व कर लेगा, टेम्परेचर कम कर दोगे तो ऑलरेडी इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना वो अलग कर देगा, फिर उनको निकाल और देगा। और ऐसा भी है, हाँ इसके बारे में कंफ्यूज ना हो, ये हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट वाटर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि नाइट्रेट वाटर क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एंड इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर, अभी और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता, है ना, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को बिना चेंज के नहीं हो सकता। अब सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, तो आपको इस एक्सरसाइज की पहली लाइन ही पढ़ पा रहा है सॉल्यूशन होता क्या है। फिर कह रहे हैं इस कंपोजिशन में वेरी, इसका जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट कर सकता है टिल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज ऑब्टेंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो कह रहा है इसका कंपोजिशन चेंज हो सकता है, कंपोजिशन मैंने आपको बताया था
अमाउंट अगर चेंज करते हो, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंज करते हो, कम क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट चेंज करते हो, तो उसका सब्सटेंस चेंज होता रहेगा, तो उसका कंपोजिशन चेंज होता रहेगा। और लेकिन सर कब तक चेंज होगा, अब ये लिमिट दे दी, वो कब तक चेंज होगा तेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन सर, ये अगर सॉल्ट पर आ गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर, अब इसके आगे चेंज नहीं हो पाएगा सर। क्यों नहीं हो पाएगा? और आप और कुछ सब्सटेंस ऐड ही नहीं कर सकते, ऐड ही नहीं कर पाओगे, जब कुछ चीज़ें ऐड ही नहीं कर पाओगे ना, रिमूव कर पाओगे, तब आपका कंपोजिशन चेंज ही नहीं हो रहा। और अब चेंज नहीं हो रहा तो कहाँ से आप कहोगे कि इसकी परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगी, है ना? नहीं हो पाएगी। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर। अभी थोड़ा सा टॉपिक दे रहे हैं इफेक्ट ऑफ कूलिंग और हीटिंग, ये मैं आपको अभी कर रहा हूँ, हो जाएगा अभी, हो जाएगा ठीक है, इतने कराता हूँ मैं भी, है ना, यहाँ तक कराता हूँ ठीक है। सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं, हमारी क्लास वैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसकी वजह से डिले हो जाती हैं, एक और टाइम कम मिल पाता है, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स ने थोड़ा और दिमाग खराब कर देती हैं। चलो तो कोई ना, वैसे भी कल मैंने आप दोनों की वीडियो में बहुत लंबी लंबी बुलानी है, बनानी है, पढ़ाना भी है, रिकॉर्ड भी करें तो डबल डबल हो जाएंगी क्लास, थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा आपको दोनों दिन। इफेक्ट ऑफ कूलिंग क्या कह रहा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड यूजुअली डिक्रीजेस विद द फॉलिंग टेम्परेचर, ठीक है। इसको समझाने से पहले मैं किसको भी समझा दूँ, आपको लॉजिक समझा दूँ, बेसिकली इन दोनों के पीछे लॉजिक क्या है, इन दोनों पैराग्राफ के पीछे लॉजिक क्या है, टाइम क्या हो रहा है ठीक है। 10 मिनट है, देखते हैं, अगर ये नहीं समझा पाए तो लॉजिक तो समझा ही दूँ, पढ़वा बेसिक कर दूंगा। आपको पता है ना, क्या पता है आप तो दूध में चीनी कब डालते हो, जब पीते हैं? अरे हाँ, वो तो मेरे को ही पता है, जब पीते हैं तभी डालते हैं, मतलब आप गर्म दूध में चीनी डालते हो, ठंडे दूध में चीनी डालते हो। आप मम्मी दूध ले, मम्मी दूध लेके आती हैं आपको देने के लिए, तो मम्मी से चीनी डालकर लाती हूँ मम्मी ना, फीका दूध पीते हो, ऐसा चीनी डाल के लाती हूँ मम्मी ठीक है, चीनी डाल कर लाती हैं। मम्मी से पूछो मम्मी कब चीनी डालती हैं, दूध गर्म करने से पहले दूध में चीनी डालती हैं, फिर उसको गर्म करती हैं, फिर दूध पहले गर्म हो चुका होता है फिर उसके ऊपर चीनी डालती हैं, या वो ठंडे दूध ले जाते हैं, ठंडे दूध के ऊपर चीनी डाल के उसको मिक्स करती हैं। तो आपकी मम्मी से आपको क्या समझेगा, पूछो अब बताओ मुझे। मैंने सुन लिया, आपकी मम्मी बोल रही है कि पहले दूध गर्म करते हैं, पहले दूध गर्म करते हैं फिर उसके बाद चीनी डालते हैं। आप मम्मी से पूछो क्यों, मम्मी से पूछो क्यों, पूछो पूछो आराम से किचन में आके। हाँ तो आपकी मम्मी ने पता है, मैंने सुन लिया, आपकी मम्मी ने पता है क्या बोला, आपकी मम्मी ने वो बोला जो मेरे को बोलना था, आपकी मम्मी ने वो बोल दिया जो मेरे को बोलना था, चीटिंग हो गई था सर के साथ। आपकी मम्मी ने पता है क्या बोला, इसे बोला क्योंकि गर्म चीज़ के अंदर चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती हैं, ठंडी चीज़ के अंदर चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं होती हैं। आपकी मम्मी की लैंग्वेज ये हो सकती है कि गर्म चीज़ के अंदर ये चीज़ें अच्छे से घुल जाती हैं, और ठंडी चीज़ के अंदर ये चीज़ें अच्छे से घुलती नहीं है, तो मम्मी ने घुलन वर्ड यूज़ किया, घुलना हो सकता है, आपकी मम्मी ने घुलना वर्ड यूज किया हो ठीक है। तो ये नेचुरल लॉ है, नेचुरल, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरल लॉ है। आप घर पे करके देख लेना, आप गर्म पानी में चीनी डालकर देखना, मिनट्स के अंदर आपकी डिजोल्व हो जाएगी ठीक है, लेकिन ठंडे पानी में बर्फ आइस वाटर में डाल के देखना, आइस वाटर में घंटों तक डिजोल्व नहीं होगी, घंटों तक, यानी कि टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ता है सर। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, एबिलिटी टू डिजॉल्व, एबिलिटी टू डिजॉल्व, तो जो एबिलिटी है वो चेंज हो जाती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर ज़्यादा है तो एबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है और आप और कम करते जा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कूलिंग, और नीचे क्या लिखा है, हीटिंग। तो बताओ कूलिंग के टाइम पे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कम होगी, तो ठंडा करने टाइम से गिरा रहे हैं तो अब इससे सॉल्युबिलिटी भी गिरेगी, तब भी लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड यूजुअली डिक्रीजेस, यूजुअली डिक्रीजेस विद द फॉलिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर गिरा तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी फॉल हो जाएगी ठीक है, वो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। दस इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज लोअर, अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर और कम कर डाला, या फिर लेफ्ट ओपन सॉल्यूशन इज लेफ्ट ओपन एट अ हायर टेम्परेचर फॉर लॉन्ग, या फिर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक खुली जगह में छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, खुली जगह पर छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, जो बहुत गर्म था लेकिन बहुत गर्म चीज़ का आपका फ्रीज यहाँ पे छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, तो पता क्या होगा, द सॉल्वेंट स्लोली वेपराइज, उसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल जो थोड़ा सा ही बता, थोड़ा बहुत तो गीलापन है ना भी उसके अंदर सैचुरेटेड के अंदर, तो वो भी ना
वेपराइज होने लगेगा, वो भी कौन लगेगा, वेपराइज होने लगेगा, यानी सर वो तो सूख के पत्थर बन जाएगा, सूख के पत्थर बन जाएगा। तो ऐसा भी होता है। हाँ एक काम करना, ये तो आप सूख के पत्थर बन जाएगा तो आप ट्राई भी कर सकते हो, मम्मी आटा गूंदेगी शाम को, मम्मी से कहना एक स्पून उसमें से आटा निकाल दें, एक स्पून उसमें से आटा निकाल दें। आप देखोगे जब मम्मी आटा निकालेंगे तो उस टाइम पे तो उसमें थोड़ा सा गीलापन होता है, गीलापन होता है, लेकिन उसको ना आप 1-2 घंटे रख छोड़ देना, फिर आप देखना वो बिल्कुल सॉलिड हो चुका होगा, बिल्कुल सॉलिड हो चुका होगा। सर सॉलिड क्यों हो चुका होगा, क्योंकि उसके अंदर से जितना भी वाटर था, उसके अंदर जितने भी वो था सॉलिड सॉल्वेंट था, वो सारा सॉल्वेंट वेपर हो चुका होगा, वो सारा पानी उसके अंदर तो उड़ चुका होगा। और फिर सर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो पत्थर बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा तो उसमें थोड़ी बहुत भी चेंजेस करोगे, थोड़ा बहुत भी प्रेस करोगे तो सर वो झड़ने लगेगा, उससे क्रिस्टल्स बन जाएंगे, उसका पाउडर बन जाएगा और पाउडर की तरह टूटने लगेगा। तो वो फिर इसी तरह से क्या होगा, आपका सारा सॉल्वेंट वाला जो एरिया है वो सारा सॉल्वेंट वो वेपराइज हो जाएगा। अब पार्ट ऑफ द डिजॉल्व सॉल्यूट सेपरेट था, उसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे करके सेपरेट होने लगेंगे, वो धीरे धीरे करके होने लगेंगे सेपरेट होने लगेंगे, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। द रिमेनिंग सॉल्यूशन इज स्टिल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सर जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको भी अभी आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड ही बोलोगे। सर क्यों, अरे आप वो आटा बचाएगा, आप उसके अंदर और सूखा आटा डालने की कोशिश करो, क्या आप उसके अंदर डिजॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इसके अंदर और सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो पाए तो इसके अंदर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बोलेंगे। सर इफेक्ट ऑन हीटिंग मतलब क्या सर, इससे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, आप हीट करते हो देन इट बिकम अनसैचुरेटेड। सर फिर ये क्या मतलब है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब क्या, जो सैचुरेटेड नहीं है, सिंपल सा, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अब इसके अंदर सर आप और सॉल्यूट क्या कर सकते हो, डिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट ध्यान रखना अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी मेड अनसैचुरेटेड बाय एडिंग मोर सॉल्वेंट टू इट। वो कह रहा है कि ऊपर हमने क्या देखा, ऊपर हमने देखा सर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, तो हमने उसको हीट किया तो वो अनसैचुरेटेड बन गया। तो कह रहा है कि याद रखो क्या, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाने का तरीका एक नहीं, एक तरीका और है, केवल एक ही तरीका नहीं, एक तरीका और है। सर पहला तरीका क्या था, पहला तरीका तो ये था कि उसको हीट कर दो तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, दूसरा तरीका यह कि आप पानी डाल दो और सॉल्वेंट डाल दो तो और सैचुरेटेड हो जाएगा। तो दो तरीके, तो वो कह रहे हैं इसको आप और सॉल्वेंट डालकर भी बना सकते हो। और थोड़ा अनसैचुरेटेड वर्ड आया तो थोड़ा सा इसका मीनिंग बता देता हूँ, आज सॉल्यूशन इज मोर ऑफ द सॉलिड कैन बी डिजॉल्व, यानी इसका जस्ट अपोजिट, सैचुरेटेड में डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, ये वो है जिसके अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, उस गिवन टेम्परेचर पर ही, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड का मीनिंग मैंने आपको वैसे बता दिया है, आप इसको रीड कर लेना, पर मैं आपको अभी तक यहीं, अभी यहीं तक पढ़ाता हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको यहीं तक पढ़ाता हूँ, बाकी मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ। इसका होमवर्क मैं कल ही दूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा था मैंने पहले पढ़ा लेते, पहले यहाँ तक तो पढ़ा ही लूँ मैं, फिर आपको पूरा होमवर्क दूँ मैं एक साथ, ठीक है। आप यहाँ तक देखो अनसेचुरेटेड तक है ना, अनसेचुरेटेड तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, अभी तक।